तो भैया से अब मैं श्याम भगवान का ये लेने वाला हूँ, चल रहे बोलते हैं ना भैया। डे 3 ब्लॉक 3 डेली शॉर्ट एंड लॉन्ग ब्लॉग अपलोडिंग। स्वागत है आपका इंटरनेशनल पुष्कर फेयर 2023 में। और आज पुष्कर फेयर का सेकंड डे, कल मैंने ये चश्मा खरीदा था फर्स्ट डे पर। मेले में घूमने के तीन टास्क है, कोई भी एक चीज खाकर आना, कोई भी एक चीज खरीद कर आना, कोई भी एक झूला झूल कर आना। चलो इंजॉय करते हैं। पुष्कर फेयर में बहुत सारे झूले लगे, इन झूलों की इतनी सुंदर लाइटिंग देखने के बाद माइंड में एक अलग ही रिलैक्स फील होता है। पुष्कर की प्रदर्शनी में कुछ खरीदने के लिए कल मैंने चश्मा ले लिया था, लेकिन आज मैं चश्मा नहीं लूंगा, कुछ नया लेंगे। यहाँ पे खट्टी मीठी गोलियां भी थी, लेकिन खट्टी मीठी गोलियां कौन खाता है, कुछ नया देखते हैं। यहाँ पे प्रदर्शनी में बहुत सारी दुकानें खुली, जेंट्स के काम की चीज तो 5% भी नहीं है और लेडीज के काम की चीज 95% से ज्यादा है। मेले में 5 से 6 प्रदर्शनी, उसमें से 2-3 प्रदर्शनियों में प्रॉपर दुकानें खुली है, बाकी प्रदर्शनियों में दुकानें इस तरीके से पड़ी और धीरे धीरे खुलती जा रही है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज मेले से घड़ी खरीद लेते, लेकिन मेले में कोई भी कंपनी की घड़ी नहीं मिलती, ये 2-3 दिन में टक बोल जाती है, बोले तो खराब हो जाती है। फिर मुझे एक दुकान पे ये श्याम बाबा का लोकेट दिखा जिसपे हारे का सहारा लिख रखा था। मैंने सोचा क्यों ना ये ले लेते, अपनी कार के आगे लगा देंगे ताकि सदैव श्याम बाबा की दया दृष्टि हमारे पे बनी रहे। भैया क्या कितने रुपए का है? 50 लगा लो। डिस्काउंट मेरे लिए, डिस्काउंट चलो मेरे लिए डिस्काउंट है। ये श्री श्याम तो लेते हैं, चलो भैया उतार दो। भैया ये किसका? माता जी का भी है, श्याम भगवान का भी है, भोलेनाथ का भी है, अपन श्याम भगवान का ले लेंगे। मैं पहुंचा तिलकुट्टे की दुकान पे तिलकुट्टा खाने के लिए। मेले में ये सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और एकदम नेचुरल है। यहाँ पे तिल्ली का तेल मिलता है और तिलकुट्टा मिलता है। 100 ग्राम तिलकुट्टा लेकर सेकंड टास्क को कंप्लीट कर इसे खाकर हम चल दिए मेले में झूला झूलने के लिए। मेले में कल से ज्यादा आज भीड़ है और अब मेरी इच्छा हो रही है ब्रेक डांस झूलने की। अब मैं जा रहा हूँ ब्रेक डांस झूलने के लिए। मैंने मेरे दोस्त को बाहर से वीडियो बनाने के लिए बोला क्योंकि इस झूले में बहुत ज्यादा रिस्क हो, जब ये झूला चलता है तो बहुत ज्यादा झटके लगते हैं, इस वजह से मेरा फोन गिर सकता है, इसलिए मैंने कहा कि तू बाहर से वीडियो बना ले मेरी। अरे यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों रखी है, ये तो अंग्रेज डांस कर रहे हैं। वालों को जो चीज वीडियो में देखने के लिए मिलती है आज वो चीज लाइव देखने को मिलेगी, तो भीड़ तो होगी। आई होप कि आपको पुष्कर फेयर का सेकंड डे बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जय हिंद।